सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो कि आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी शायरी, जो इंडिपेंडेंस डे की यानी कि 15 अगस्त के लिए आप लोगों को यहाँ पे शायरी बताने वाला हूँ, जो कि आप अपने स्टेटस में डाल सकते हो और फेसबुक पर फोटो पोस्ट करते समय डाल सकते हो। और इसके पहले जो मैंने अभी वीडियोज़ बनाई हैं, वो मैंने इंडिपेंडेंस डे की जो फोटो कैसे बना सकते हो और वीडियो कैसे बना सकते हो, इन दोनों पे मैंने इन दोनों एप्लीकेशन पे वीडियो बना दी। आप वो मेरी वीडियोज़ देख सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना तो वहाँ पर मैं भेज दूंगा, या फिर आप मेरा चैनल चेक कर लो, वहां पर आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। तो अभी चलिए हम बात करते हैं यहां पर शायरी की। तो यहां पर जैसे शायरी एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया, ये हिंदी शायरी 2019 का है, अभी 20 का वैसे मुझे नहीं मिला है, तो अभी इसके ऊपर मैं बता रहा हूं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहीं से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। उसके बाद यहां पर फेस्टिवल शायरी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हर एक जो फेस्टिवल होते हैं उसकी शायरीज मिल जाएंगी। तो अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की। तो यहाँ पर चलिए अब हम ढूंढ लेते हैं इंडिपेंडेंस डे कहाँ पर है। तो ये रहा इंडिपेंडेंस डे, और यहाँ पर जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस डे की शायरी हमें देखने के लिए मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अभी जैसे कि हिंदी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती हैं, और यहाँ पर कुछ इंग्लिश में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें शायरी की, तो यहाँ पर बहुत सारी आपको शायरी मिल जाएंगी, और यहाँ पर अधिकतर जो है शायरी हिंदी में है। और यहाँ पर शायरीज तो बहुत सारी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतनी आप कहीं पर भी पोस्ट भी नहीं कर सकते हो। ये देख सकते हो कितनी सारी आपको यहाँ पर शायरी मिल जाएंगी। और उसके बाद अभी चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ अगर आप इन्हें कैसे कॉपी कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप इसके अंदर कुछ एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके, और इसमें कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, कुछ टैग टेक्स्ट वगैरह अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना तो कर सकते हो, और कलर चेंज करना तो यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इस तरीके से बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हो, और उसके बाद सेव करके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके इसका साइज बढ़ा घटा सकते हो। अगर आपको व्हाट्सएप स्टेटस में डालना है तो आप व्हाट्सएप स्टेटस की तरह इस तरीके से सेव कर लो, और उसके बाद व्हाट्सएप पर जो कि इस इमेज को सिर्फ जो कि डाल दो व्हाट्सएप पर, तो वो स्टेटस की तरह चला जाएगा। उसके बाद अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर सकते हो, अगर आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लो, अगर डायरेक्ट शेयर करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से शेयर भी इसे कर सकते हो। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।